डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में एसएलडब्ल्यूएम में चयनित 308 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों का बैठक सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के निमित्त 2021-22 वित्तीय वर्ष में वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत चयनित 308 राजस्व ग्राम में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय किए जाने के संबंध में संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के साथ समीक्षा बैठक की गई है। सभी ग्राम प्रधानों सचिवों को निर्देश दिया गया है कि काम पूरा कर उपयोग किए हुए राशि का भुगतान करा ले, जिससे किस्त की धनराशि के दूसरी किस्त का भुगतान किया जा सके। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत बच्चा सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शशिभूषण सिंह सहित ग्राम प्रधान व सचिव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, तो ये वजह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है? करिए सेक्रेटरी कौन है इंप्राइज के? हरित कौन है वहाँ पे? के एम सिंह कौन करो? ऐरोली गोला है। आपको खर्च कराना है प्रधानमंत्री, क्या समझना है इसमें? अभी मनरेगा के सारे प्रधान भी रो रहे हैं, सारे सचिव रो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। हम आपको पैसा एडवांस में दे रखे हैं और काम कराना क्या हुआ आपको पता है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, इसलिए हमने बहुत पहले आपको सॉल्यूशन दे दिया था। एक घर लेकर तीन लोग हैं, तीनों भाई अगर है, तीनों भाई का एक साथ एक गड्ढा बनवा दिया, समुदाय हो गया। बदले गड्ढे एक लोगों का परिवार का एक साथ ही करना है, तो फिर देर में नहीं थी क्या हो रहा है? तो बार बार कहा जाए समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पैसा नहीं है तो समझ में आता है कि पैसा नहीं है, काम नहीं कर रहे, बिना पैसे के काम करा तो मनरेगा में आराम से करा लिया अपने काम। हम पैसा आपको पहले दे रखे, आप काम नहीं करा रहे, ये तो पूरा मतलब आपकी लापरवाही। प्रधान लोगों को पता भी नहीं है, बहुत प्रधान लोगों को आपने कम्युनिकेट भी नहीं किया प्रधान जी लोग भी आए हुए हैं, तो मैं एक बार एक चीज बता देता हूँ कि कुछ क्वेरीज आपके मन में होगी, किसमें हमको पेमेंट करना है, सोखता गड्ढा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सोखता गड्ढा जितना भी आपका इंडिया मार्ग का हैंडपंप है वहाँ आप आराम से बना लीजिए सोखता गड्ढा। हाँ, वो स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, पंचायत भवन हो गया, ऐसे जगह पे जहाँ भी आपका इंडिया मार्ग का हैंडपंप है वहाँ सबसे सोखता गड्ढा बना दीजिए। कुछ देर आप चबूतरा बनवा लीजिए, अच्छे चबूतरे बन जाते हैं तो उसका यूज बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, वहाँ बनाइए। उसके बाद सामुदायिक सोखता गड्ढा इसमें बना सकते हैं, व्यक्ति का सोखता गड्ढा अलाउड नहीं है। तो इसमें समुदाय कैसे करेंगे, परिवार के गड्ढे में जाएगा तो वो नहीं रहेगी कभी। एक घर में दो भाई रहते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग शौचालय, अलग राशन है, कार है, वो सामुदायिक हो गया। एक से अधिक जहाँ भी है, दो लोगों के परिवार है, तीन लोगों के परिवार को जोड़कर अगर आप एक सोखता गड्ढा बनवा रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज सामुदायिक सोखता, वो आप बनवा लीजिए। अगर 50,000 भी निकाल ले रहे हैं तो वो भी चलेगा। एक चीज और है, जो एस्टिमेट बना हुआ है वो पुराने सूरत का बना हुआ है, ये जो आज जो बैठक है ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार की तरफ से गोरखपुर में 308 राजस्व गांव में 20,84,00,000 रुपया मिला है। ये उसे खर्च करने के लिए किस तरह से खर्च करना है ये प्रधान जिलों को बताया जा रहा है, तेज़ी से कैसे खर्च करके गांव में जो ठोस और द्रव कूड़ा का जो समस्या है उसका प्रबंधन कैसे बेस्ट तरीके से किया जाए, जो समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई, उनकी समीक्षा की जा रही है कि ग्राम पंचायत वार, ताकि वो धनराशि का सही से सदुपयोग करें और गाँव जो है ठोस और कूड़ा से मुक्त हो सके। सर कुछ काम के बारे में बात करते हो, काम नहीं? हाँ, कई ग्राम पंचायतों में जैसे काफी लगभग 308 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों में
कार्य करा करके भुगतान कराया गया है, जबकि मंगलवार को इसको लेकर के मुख्य सचिव सर की वीसी भी है, इसीलिए इन सबों को बताया जा रहा है कि काम कराना है इसमें ज़्यादातर सोख्ता से रिलेटेड काम कराना है या नाली से रिलेटेड काम कराना है या खाद गड्ढा से रिलेटेड काम कराना है, जो कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता इस काम को करने में लगता है। इन लोगों को बताया जा रहा है कि लग करके लोग काम आप लोग काम कराइए और अगले दो तीन दिनों में कार्य करा करके इसका MB करा करके भुगतान करें।